नायब मुख्यमंत्री ने आ धरती ना पनोता पुत्र आदरणीय नितिन भाई पटेल साहेब अपना सांसद बेन श्री शारदा बेन माननीय मंत्रीश्रीओ गुजरात सरकार में ऋषिकेश भाई भाई रजनी भाई बेन श्री कौशल्या कुंवरबा मंच पर विराजमान माननीय धारासभ्यश्रीओ बन्ने जिलाना माननीय प्रमुखश्रीओ भाई श्री दशरथ भाई मंच पर विराजमान समाजना मोभियो विशाल संख्या में उपस्थित वाला कार्यकर्ता भाइयों ने बहनों पत्रकार मित्रों आजना कार्यक्रम ना आप प्रारंभे गुजरात प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ना अध्यक्ष भाई सी आर पाटिल ने एनी सगली टीम एमने हूँ हृदयपूर्वक ना अभिनंदन आपू छू के आपे आ सुंदर मजानी अगाउ थी अपना राज्य में गौरव यात्रा की परंपरा हती ए परंपरा ने पुनस्थापित करी जुदा जुदा पांच केन्द्रों में थी समग्र गुजरात ना तमाम विधानसभा क्षेत्रों ने स्पर्श करी शकाय ए प्रकारनी गरिमापूर्ण यात्रा नु आयोजन करवा बदल हूँ प्रदेश नी टीम ने अभिनंदन आपू छू धन्यवाद पाठवु छू। अहीं रजनी भाई वात करवा उभा थया त्यारे एमणे कह्युं तुं के भारे मौसम आले छे अने आवी मोटी मौसम नी वच्चे पण आ कार्यकर्ताओए कोई खूणो खाली नथी रहेवा दीधो एटली विशाळ संख्यामां हाजरी आपवा बदल अने भाई तमने थोड़ुं समजावुं पड़े के तमारी मौसम हाले छे एम अमारी ए मौसम शुरू थई छे ने आपणे आ मौसमना श्री गणेशाय करवा माटे आपणे भाग्यशाळी छीए बे रीते एक एवुं स्थळ पसंद कर्युं साहेब मां बहुजराजीनुं प्रांगण हा पेटमां कूकड़ा बोलावे ई माळी छे आ एना पटांगणमांथी आ आपणी यात्रानो प्रारंभ थाय अने देशना भारतीय जनता पार्टीना वडा नड्डा जी ने प्रारंभ करावा माटे आपणी वच्चे आवे एटले सोनामां सुगंध भळे ए प्रकारे आजे आ यात्रानो प्रारंभ थई रह्यो छे। साहेब अहींया एटला बधा वक्તાઓ છે કે બધા વક્તાઓમાંથી એક એક વક્તા આખી સભાનો કાર્યક્રમ પૂરો કરી શકે એવી ક્ષમતાવાળા છે એટલે વક્તાઓએ પણ થોડોક સંયમ રાખવો પડે અને હામાવાળાની કસોટી ન થાય એનું ધ્યાન રાખવું પડે એ બેયની વસાયલ થઈને હું તમને મંગલાચરણ કરાવવા ઊભો થયો છું। नड्डा जी मैं आपके सामने कुछ एक दो चित्र पेश करना चाहता हूं जो गुजरात के संदर्भ में आपके संज्ञान में हो तो और भी अच्छा रहेगा। यहां इस भूमि में कई साल पहले जब हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी हमारे मुख्यमंत्री हुआ करते थे तब नैनो प्लांट के भूमि पूजन के लिए हम आए थे यहां इसी एरिया में मारुति सॉरी और उसके बाद नैनो आया मगर उस समय इस जगह पे इतने बाबुल के वृक्ष थे कि कहीं पे खुली जगह भी देखने को नहीं मिलती। वहीं से लेकर आज इस इलाका जो पूरा है वो शायद गुजरात का सबसे कॉस्टली इलाका के रूप में आज देखा जा रहा है।
यात्रा वहां पहुंची आज। ये नैनो मारुति का प्लान इधर आया जब बंगाल के विवाद के कारण वहां उनको काम नहीं करने दिया तो उन्होंने यहां लगाया। ये नैनो कार से लेकर नैनो यूरिया तक की यात्रा के गुजरात हम साक्षी बने। सर, जो नैनो यूरिया की घटना घटी, मने एम लागे छे कि आजे हूं अहिया महात्मा गांधी जी नी पुण्यभूमि गुजरात, सरदार वल्लभ भाई पटेल नी पुण्यभूमि गुजरात, अने मने कहता गर्व थाय छे के विश्वना सौथी लोकप्रिय नेता नरेंद्र भाई मोदी नी पुण्यभूमि गुजरात। नड्डा जी, मैं आपके संज्ञान में एक छोटी सी चीज डालना चाहता था। जब नैनो से, नैनो कार से लेकर नैनो यूरिया की मैं कहानी बताने जा रहा था, तो नैनो यूरिया की कहानी क्या है? सर, नैनो यूरिया की पेटेंट हमारे राजस्थान के एक बच्चे ने अमेरिका में ली थी। वहां वो स्टडी कर रहा था, वहां उनको पेटेंट मिल गया। वहीं से उन्होंने पेटेंट की खुशी में अपने पिताजी को फोन किया कि पिताजी, मुझे नैनो यूरिया की पेटेंट मिल गई है अमेरिका में। एना पिताजी हादा खेडूत था, एने आ स्वाभाविक रीते प्रतिक्रिया आपी के बेटा, ते कई शोध्यू तो हूं कई समझू नहीं विज्ञानी मां, एना थी अमारा देश ना खेडूतो ने कई फायदो था है? एक खेडूत पिता नो अमेरिका में अभ्यास करता बालक ने फोन, अमेरिका में अभ्यास करता बालक ना मन में एम थयु के वात तो मारा पिताजी नी साची छे, पर हूं शू करी शकू, ए हूं शू करी शकू, एना जवाब में एने अपना आदरणीय वडाप्रधान सिंह ने तार कर्यो के मैं नैनो यूरिया नी आई पेटेंट मेळवी छे अने एनो उपयोग जो आपणे भारत में करी शकीए तो हूं मारी सेवा आपवा तैयार छु। हवे प्रधानमंत्री जी ने केटली टपालो आवती होय, केटला तार आवता होय, केटला मळवा वाला आवता होय अने केटला प्रश्नोना समाधान माटे एमने समय फाळववानो होय, एनी वच्चे पण आ एक विद्यार्थीनो कागळ नरेन्द्र भाईए वांच्यो अने एने जवाब आप्यो, एने बोलाव्यो કે તું આવી જા ભારતમાં। એ જણ ભારતમાં આવી ગયો। સાહેબ, મોદીજીએ એને જુદા જુદા ઉદ્યોગ ગ્રહો સાથે, જુદા જુદા વિભાગો સાથે મુલાકાતો કરાવી અને છે કરો। એ જણ ઇફકોમાં કામે લાગ્યો। નડ્ડાજી આજ मां बहुचर के चरणों से गुजरात की पावन धरती से भारत सरकार के एक मंत्री के तौर पर मुझे गर्जना करके कहना है कि दुनिया में नैनो यूरिया बनाने वाला भारत पहला देश है। अब एक बच्चे की कहानी आवी तो असंख्य घटनाओं ना आपड़े साक्षी छे साहब, अने आजे आ नैनो यूरिया कलोल नी अंदर एनु प्रोडक्शन शुरू थई गयु छे, लाखों बोटलो बनी रही छे। आप सौ खेडूतोने जणावता मने खुशी थाय छे मित्रों के खंभे लईने 50 किलो नी बेग यूरिया खातर नी आपणे खेतर मां जाता था, एने बदले खिस्सा मां 500 ml नी बोटल नाखीन खेती करी शकाय एवी आ क्रांतिकारी शोध छे। नैनो यूरिया ना एकला प्रयास ने कारणे દેશનું કરોડો રૂપિયાનું હુંડિયામણ બચી શકે, કરોડો રૂપિયાના રાસાયણિક ફર્ટિલાઇઝરમાંથી આપણી જમીનને પણ આપણે બચાવી શકીએ એવી ક્રાંતિકારી આવિષ્કારની શોધ અહીંયા થઈ। નડ્ડાજી, મેં અહીંયા ઉત્તર ગુજરાત કી ભૂમિ પર સે જબ પ્રવચન દેને કે લિયે ખડા હોતા હું તો મેરે દિમાગ મેં સબસે પહેલે પાણી હી આ જાતા હૈ। और पानी की जो परिस्थिति हमारे वहां थी,
यहाँ गुजरात के कई पूर्व मंत्री लोग बैठे हैं, नितिन भाई जैसे अनुभवी आदमी भी बैठे हैं, उन्होंने ही मुझे स्मरण दिलवाया था कि मेरा एक वीडियो उन्होंने सुना होगा कि मैं जब चीफ ऑफिसर था तो 15 दिन में 15 मिनट पानी देते थे हम, एक वार्ड में 15 दिन के बाद 15 मिनट पानी देते थे। मारू वतन अमरेली, न्यानिया बात करूं छू, और उस समय यहां भूगर्भ में जल बहुत था मगर पानी को खींचने के लिए 20 एचपी की 30 एचपी की मोटरें लगानी पड़ती थी। आज स्थिति में राज्य नु मैनेजमेंट के रीते चालतु तू, गुजरात ने विधानसभा में गुजरात ना पानी पुरवठा मंत्रियों भाषण करीने एवं कहता था कि आ वर्षे हमें नवा 5000 हैंडपंप आपवाना छे। हैंडपंप नु भाषण गुजरातनी विधानसभा में थातु तो साहेब हूँ पानी पुरवठा मंत्री बन्यो भाजपनी सरकार में, गुजरात ना पानी पुरवठा विभाग नु बजेट 86 करोड़ रुपया, भूपेंद्र भाई पटेल साहेब 86 करोड़ ओनली, 86 करोड़ रुपया नु कुल राज्य नु पानी पुरवठा नु बजेट, एमा सरकारी विभाग नो खर्चो काढीन वधे એમાંથી ગુજરાતની જનતાને પાણીના ગેંગટિયા કરાવવાના, સમજો કેવી રીતે થાય થાય કેવી રીતે સાહેબ। આજની તારીખે એવા અસંખ્ય ગામો હશે જે એક એક ગામની અંદર 86 કરોડથી વધારે કિંમતની પાણી પુરવઠાની યોજનાઓ અમલમાં મૂકાણી છે। પાણી પુરવઠાની અને પાણીના વિતરણની પાણીના આયોજનની नड्डा जी एक ही बात करके मुझे मेरी बात को यहां आज रोक देना है, अकेली एक स्टोरी मेरे आप मुझे आपके संज्ञान में डालनी है। हम कभी कभी सोचते हैं तो ऐसा होता है कई योजनाएं शिलान्यास हम करते हैं, काम और कोई करता है और लोकार्पण और कोई करता है, बड़ी बड़ी योजनाओं में ऐसा चलता है मगर गुजरात के पानी के व्यवस्थापन में योजना को बनाकर योजना के लोकार्पण तक की घटना में भारतीय जनता पार्टी के अलावा किसी का हिस्सा नहीं है। आप बता आज एकमात्र एटलो विचार करो का नर्मदा योजना ना होए तो आपकी दिशा हूं होए, एकली नर्मदा योजना ना होए तो आपड़ी स्थिति शू होय। साहेब आजे 13000 गामडा, 300 नगरपालिका अने 8 अपना महानगर एने पीवानू पानी नर्मदा माथी मळे, 18 लाख हेक्टर जमीन ने सिंचाई आपवानू काम नर्मदा माथी मळे, अने आपड़ा असंख्य उद्योगों ने एना उद्योगों ना संचालन माटे ना जरूरी पानी नी व्यवस्था ए नर्मदा माता एकमात्र आपणो सोर्स छे। नड्डा जी हमें सबको स्मरण यही कराना है कि ऐसी महत्वाकांक्षी नर्मदा योजना को अटकाने के लिए, इसको रोकने के लिए जो प्रयास चल रहे थे उसको साथ देने वाले आज गुजरात में वोट मांगने के लिए घूम रहे हैं, ये हमें गुजरात की जनता को याद दिलाना है। कोण आने रोकतु तू, कोण मेगा पाटकराणी मंडली ने टेको करतु तू, कोण आ योजना ना विरोध में हतू। नड्डा जी 10 साल आप विचार करिए, हमें गेट बंद करने की परमिशन लेने के लिए दिल्ली के दरबार में आवाज लगा लगा कर हमारी आवाजें बैठ गई। इन कांग्रेसी सरकारों ने हमें परमिशन नहीं दिया, गेट बंद करने की परमिशन नहीं दिया। मैंने हिंदुस्तान के कई प्रांतों के कामकाज को देखने का कोशिश किया मगर एक भी उदाहरण ऐसा नहीं मिल रहा है
कि जहां पानी की योजना को लेकर उनके मुख्यमंत्री को अनशन पर बैठना पड़ा हो, ऐसा कहीं पे अभी भी नहीं सुना। ये गुजरात में नर्मदा बांध की ऊंचाई को बढ़ोतरी देने के लिए हमारे मुख्यमंत्री के रूप में आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने अहमदाबाद में 78 घंटे का उपवास का ऐलान किया था और हम सब कार्यकर्ता इनके साथ जुड़े थे। उसकी मंजूरी को लेकर संघर्ष, उसको बनाने का संघर्ष, और मैं तो मां बहुचरा जी के पटांगण से बोल रहा हूं कि माता रानी की कृपा के कारण उसकी मंजूरी में भी दस्तखत नरेंद्र दामोदर मोदी जी के हुए और किसी को ये यश भी नहीं मिला, उन्हीं के हाथों से पूरी हुई। अपना राज्य में पानी पुरवठानु जे तंत्र उभू थयु, केवड़िया कॉलोनी थी उपड़ेलू पानी कच्छनी कांधी सुधी पोगाड्यू, परियोजना तलाव माथी उपड़ेलू पानी घेरे घेरे नलनी अंदर आपने पहुंचाड्यू। नड्डा जी भारत सरकार का जल शक्ति मंत्रालय की रचना करके हर घर नल भेजने की जो महत्वाकांक्षी योजना मोदी जी ने चलाई है, इसका प्रारंभ मुख्यमंत्री के तौर पे उन्होंने गुजरात में शुरू किया था। बड़ी बड़ी पाइपलाइनें डाली जाती थी अने आ कार्यक्रम में मां नर्मदा नु पानी आपने सौने उपलब्ध थयु। मैं नड्डा जी आपको ये बताना चाहता था कि इतनी बड़ी महत्वाकांक्षी योजना में इतने चढ़ाव उतार आने के बावजूद भी किसी दल का किसी नेता का कोई वो दावा नहीं कर सकते हैं कि इसमें हमारा हाथ है। हाँ, इतना बता सकते थे कि हमें कुछ समय मौका मिला था तो रोकने की थोड़ी कोशिश की गई। गुजरात ना उत्तर गुजरात ना आप सब कार्यकर्ताओं ने मारी बे हाथ जोड़ी ने विनंती से, मित्रों आपने बता मोटे भागे खेती ने खेडूतों साथे संकलायला लोकों सी, बाजरा मा डूंडा ने दाना सड़े अटले वैया नो हो न्याथी आवे, ये सिवाय कोई दिवस आपड़ी सीमा नो हो, पर डूंडे कणहले जारे दाना सड़े अटले वैया आवे। गुजरात ना बजेट ने जोई ने आ वैयाओ गुजरात नी धरती ऊपर उतरवानी कोशिश करी रहा छे। गोफण लईन उभा रहेजो, एक पण बूथ नी अंदर एक पण वैयु चांच न मारे ई जोवानी जवाबदारी आपणे सौ कार्यकर्ताओ साथे मळीने उठावीए अने नड्डा जी ने खातरी आपीए के भारतीय जनता पार्टी ना गढ़ने और मजबूती साथे आपना चरणों में रजू करीशुं। भारत माता की जय। खूब खूब आभार माननीय रूपाला साहेब आपनो। गौरवशाली गुजरातना सरल सन्निष्ठ अने क्रमयोगी मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेन्द्रभाई पटेल साहेब ने विनंती करूं छूं आपना प्रासंगिक उद्बोधन माटे। भारत माता के મહેસાણા જિલ્લાના બહુચરાજી ખાતે ભારતીય જનતા પાર્ટી ગુજરાત પ્રદેશ દ્વારા આયોજિત ગુજરાત ગૌરવ યાત્રાના શુભારંભ પ્રસંગે આપણી સૌની સાથે મંચ ઉપર ઉપસ્થિત કરોડો કાર્યકર્તાના પ્રેરણાસ્ત્રોત ભારતીય જનતા પાર્ટીના કર્મઠ અને જુજારુ રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ શ્રી જેપી નડ્ડાજી, પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી આર પાટીલજી, કેન્દ્રીય મંત્રી શ્રી પરસોત્તમભાઈ રૂપાલાજી, કેન્દ્રીય મંત્રી શ્રી રાવજી, પૂર્વ ઉપમુખ્યમંત્રી તથા ધારાસભ્ય શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ, મારા સાથી આરોગ્ય મંત્રી શ્રી ઋષિકેશભાઈ પટેલ, સાંસદ શ્રી શારદાબેન પટેલ, શ્રી પરબતભાઈ પટેલ, શ્રી દિનેશભાઈ અનાવાડિયા, પ્રદેશ મહામંત્રી શ્રી રજનીભાઈ પટેલ, પ્રદેશ ઉપાધ્યક્ષ શ્રી નંદાજી ઠાકોર, શ્રી મહેન્દ્રભાઈ પટેલ, જિલ્લાના અધ્યક્ષ શ્રી જસુભાઈ પટેલ, જિલ્લા પંચાયતના પ્રમુખ શ્રી પહેલાદભાઈ પટેલ,
मंचस्थ सौ महानुभावो विशाल संख्या में उपस्थित सौ कर्मठ कार्यकर्ता मित्रों प्रेस मीडिया ना मित्रों सौ ने मारा नमस्कार। जय बहुचरमा। आजनी भारतीय जनता पार्टी नी गौरव यात्रा अने एने गौरव यात्रा कही शकाय एवं गुजरात नु शासन अने आपणे सौ एना साक्षी छे। माननीय नरेन्द्र भाई ना मार्गदर्शन में गुजरात छेल्ला बे दायका थी विकास में देश में ग्रोथ एंजीन बन्यु छे। अने ग्रोथ एंजीन बन्यु छे एटले त्या तरफा विकास थयो छे, दरेके दरेक क्षेत्रे विकास थयो छे अने एना मजबूत पाया गुजरात में नखाया छे। ए शिक्षण होय, स्वास्थ्य होय, सुरक्षा होय, वीजड़ी होय, रस्ता होय, दरेके दरेक क्षेत्रे विकास में आपणे गुजराते हरणफाळ भरी छे। आजे देशनुं ग्रोथ एंजीन बन्या छे। एक ज वात करीने एटला माटे हूँ मारी वात पूरी करूँ छूँ के मने खबर छे के तमारी बहु परीक्षा मारे नथी लेवानी, पण हजू पण गुजरात मान्य नरेन्द्र भाई ना मार्गदर्शन में विकासनी हरणफाळ भरी सके एम छे। मजबूत पाया दरेके दरेक क्षेत्रे विकास कर्या पछी पण करोना जेवी महामारी अने करोना जेवी महामारी में मोटा मोटा देश थाकी गया, पण माननीय नरेन्द्र भाईए आपणने सौने साथे राखी करोनानी फ्री वेक्सिनेशन करी अने कोई भूख्यू ना सूई जाय एना माटेनी पण फ्री राशन योजना करी अने आपणने एनी अंदरथी बहार काढी। आ एटला माटे याद करावुं छुं के आजे करोना जेवी महामारी पछी पण जे गुजरातनुं नाणाकीय व्यवस्थापनमां नीति आयोग प्रमाणे आजे अत्यार सुधीना सौथी मोटुं बजेट आप्या पछी पण गुजरात आजे नंबर वन पोजिशन उपर छे। अने नंबर वन पोजिशन उपर नाणाकीय व्यवस्थापनमां होईए त्यारे आपणने बधाने ख्याल छे के जे जे बाकी हजू पण ज्यां ज्यां विकास कराय छे त्यां गाड़ी आपणे करी शकाय एम छे। अने आ ज्यारे वाइब्रंट थकी पहेला आपणने बधाने खबर छे के भाई बरोडा थी वापी सुधीना ज उद्योगनो विकास थतो, पण वाइब्रंट नी श्रृंखला करी अने माननीय नरेन्द्र भाईए गुजरातमां दरेके दरेक जिल्लामां आ उद्योगोनी स्थापना करी अने एनुं उत्तम उदाहरण आ बहुचराजी छे। अने आपणे सौ साथे मळी अने गुजरातनी जे विकास यात्रा छे ए आपणे बधा साथे मळीने आगळ वधारीए। आदरणीय नरेन्द्र भाई ना नेतृत्व में आदरणीय नड्डा जी ना मार्गदर्शन में सी आर पाटिल जी नी प्रेरणा अने गुजरात भाजपना समर्पित कार्यकर्ताओं पुरुषार्थ थी आ त्रणेयनी त्रिवेणी प्रचंड विजय थी कमल आपणे खिलावीए एवा विश्वास साथे विरमू छू। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय जय गरवी गुजरात। खूब खूब आभार माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र भाई साहेब आपनो। कार्यकर्ताओं प्राण राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री आदरणीय श्री जेपी नड्डा जी से अनुरोध करता हूं आज के कार्यक्रम में आपके प्रेरक उद्बोधन के लिए। आज के इस गौरव यात्रा के प्रारंभ के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित हमारे गुजरात प्रदेश के बहुत ही यशस्वी मुख्यमंत्री, लोकप्रिय मुख्यमंत्री सम्मानीय भूपेंद्र भाई पटेल जी, हमारे बहुत ही जुझारू और कर्मशील प्रदेश के अध्यक्ष और हमारे लोकसभा में साथी श्री सी आर पाटिल जी, भारत सरकार में मंत्री और मेरे वरिष्ठ सहयोगी जिनके साथ मुझे लंबे समय तक काम करने का मौका मिला, ऐसे हमारे पुरुषोत्तम भाई रूपाला जी, भारत सरकार में मंत्री राव साहेब दानवे जी, हमारे पूर्व में मंत्री रहे जिनके साथ मुझे स्वास्थ्य मंत्री के रूप में काम करने का मौका मिला श्री नितिन भाई पटेल जी, श्री रजनी भाई पटेल जी, श्री ऋषभ भाई पटेल जी,
श्री नंदजी ठाकुर, श्री कौशल्या परमार जी, महेंद्र भाई जी, केसी पटेल जी, पंकज भाई चौधरी जी, प्रभात भाई पटेल जी, भरत सिंह जी, शारदा बहन जी, हमारे दिनेश भाई अनवाड़िया जी, हितेश भाई, जशु भाई और दशरथ जी, मंच पर विराजमान सभी सम्मानित मंच के सदस्यगण, और यहाँ इतनी बड़ी संख्या में एकत्र आए इस गौरव यात्रा में उपस्थित देवी और सज्जनों, मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, आज मुझे बहुचर्च राज जी के माता जी के मंदिर में नमन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं जब यहां आया हूं तो मैं बहुचर्च राज जी मंदिर में जहां नमन करता हूं, वहीं मधेश्वरी मंदिर में भी नमन करता हूं, वहीं मधेराय सूर्य मंदिर को भी नमन करता हूं, और ये जो शक्तिपीठ यहां अंबा जी, यहां कालिका माँ और ये माताएं जो शक्तिपीठ के रूप में विराजमान हैं, इनको भी मैं नमन करता हूं और उनसे आशीर्वाद लेकर के अपनी बात प्रारंभ करता हूं। मित्रों, आज अभी रूपाला जी ने और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री सम्मानीय भूपेंद्र भाई ने आपके सामने गौरव यात्रा के बारे में चर्चा की है। मैं आप लोगों से एक बात कहने आया हूं, मुझे यह सौभाग्य मिला है कि मैं गौरव यात्रा का श्री गणेश करूं। 5 स्थानों से यह गौरव यात्रा गुजरात में चलने वाली है। आज मैं द्वारका पीठ पर जाने वाला हूं, वहां से भी गौरव यात्रा का प्रारंभ करूंगा। कल हमारे भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी आएंगे, वो 2 स्थानों से 3 गौरव यात्राएं प्रारंभ करेंगे, उसमें से 1 गौरव यात्रा हमारे आदिवासी भाइयों को समर्पित होगी। भगवान बिरसा मुंडा को याद करके वो यात्रा चलेगी। मैं इन तमाम यात्राओं के प्रारंभ में जो मुझे यहां सौभाग्य मिला है कि मैं इस यात्रा का प्रारंभ करूं, मैं अपनी ओर से आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं और धन्यवाद देता हूं कि गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष और उनकी टीम ने इस गौरव यात्रा को निकालने का निर्णय लिया। मित्रों, ये गौरव यात्रा कोई भारतीय जनता पार्टी की गौरव यात्रा नहीं है, ये यात्रा निकालने वाली भारतीय जनता पार्टी हो सकती है। ये गौरव यात्रा सिर्फ गुजरात की गौरव यात्रा नहीं है, ये गौरव यात्रा भारत के गौरव को स्थापित करने वाली गौरव यात्रा है। और ये मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, हम सब लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि जो देश को दुनिया के नक्शे पर फिर से पुनर्स्थापित करने के लिए, आत्मनिर्भर देश बनाने के लिए, विकसित भारत बनाने के लिए, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, सबको साथ लेकर के चलने वाला भारत, जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे छलांग लगा रहा है, उस गौरव यात्रा की गंगोत्री गुजरात है। इस बात के लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। उसकी गंगोत्री है तो गुजरात है। गुजरात ने बहुत संत दिए, गुजरात धार्मिक भूमि रही है, गुजरात ने बहुत से सामाजिक सुधारक दिए, गुजरात ने बहुत से नेता भी दिए। हम अगर बापू महात्मा गांधी जी को याद करें तो वो गुजरात की धरती ने दिया। अगर हम सरदार पटेल को याद करें जिन्होंने भारत को एकता के सूत्र में बांध दिया, तो गुजरात की धरती को याद करेंगे। और भारत को आधुनिक भारत बनाते हुए दुनिया के नक्शे पर खड़ा करने का काम किया तो आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया, यह भी हमको याद रखना चाहिए।
इसलिए मित्रों यह हमारा सौभाग्य है और इस सौभाग्य को ध्यान में रखते हुए यह भारतीय जनता पार्टी गौरव यात्रा निकाले, लेकिन गुजरात का एक एक व्यक्ति इस गौरव यात्रा से गौरवान्वित होना है। एक एक व्यक्ति को यह गौरव का पल के साथ अपने आप को शामिल करना है। और फिर मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं मित्रों, राजनेता किस तरीके से प्रदेश और देश की तस्वीर बदलता है इसका हमने जीता जागता प्रमाण देखा है। तो पहले गुजरात की विकास यात्रा देखी है और अब हम देश की विकास यात्रा देख रहे हैं, यह हम आपको बताना चाहते हैं। अभी अभी रूपाला जी ने आपके सामने बताया कि यहां बबूल के जंगल होते थे। अरे भाई, जब बबूल को उगाने वाली पार्टी होगी तो बबूल ही उगेगा ना। रोपे पेड़ बबूल का, आम कहां से होए? ये बबूल को लगाने वाले ही लोग तो थे। ये कांग्रेस पार्टी ने क्या किया सालों साल? भाई को भाई से लड़ाया, इलाके को इलाके से लड़ाया, जहां पानी चाहिए था वहां पानी नहीं दिया, जो विकास की यात्रा चलानी थी उसमें अटकाया, भटकाया, लटकाया। अब ये दीगर बात है कि खुद भी अटके हुए हैं, लटके हुए हैं और भटके हुए हैं। अब कांग्रेस पार्टी खुद अटक गई, खुद लटक गई, खुद भटक गई। लेकिन आदरणीय रूपाला जी ने जो सही है, एक तरफ ममता जी ने नैनो को ना कह दी और एक तरफ हमारे मोदी जी ने कहा वेलकम टू गुजरात, गुजरात में आपका स्वागत है। यह गुजरात की धरती ने विकास के नए आयाम स्थापित किए। मुझे याद है जब नए नए मुख्यमंत्री बने थे आदरणीय मोदी जी, उनको मैं हिमाचल में स्वागत के लिए ले जा रहा थे। उस समय मोदी जी ने वहां उस दिग्विजय सिंह जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे उनको बुलाया था और उसी दिन सवेरे 8 बजे नर्मदा के पानी पर बातचीत करने की शुरुआत कर दी थी। यह मैं आपके सामने इसलिए बता रहा हूं कि शुरू से उनकी तड़प थी कि हमारा गुजरात, जो कभी सरदार पटेल ने सोचा था कि हम इसको हरा भरा करेंगे, 2 साल नहीं बीते, 5 साल नहीं बीते, 3-3 दशक बीत गए, सुध नहीं ली, उसको रास्ता दिखाने का काम किया। तो आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी हमारे उस समय के मुख्यमंत्री और आज के प्रधानमंत्री जी ने किया। मित्रों, विकास की मैं बहुत सी कहानियां आपके सामने रख सकता हूं, लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आप और हम बड़े खुशनसीब हैं कि आज नरेंद्र भाई मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। आज कोरोना को की लड़ाई जिस तरीके से इस शताब्दी की सबसे बड़ी लड़ाई थी, आप अमेरिका की तस्वीर उठा के देखिए, आज भी आधे लोग आपको मास्क लगा के फिरते हुए दिखेंगे। आप यूरोप की तस्वीर उठा के देखिए, अभी भी आपको वहां पर लोग मास्क लगाए हुए दिखेंगे। आप अमेरिका की तस्वीर उठाइए, जो बाइडेन भी पहले मास्क उतारता है तब माइक पर बोलना शुरू करता है, लेकिन यहां आप लोग बड़े नजदीक नजदीक बैठे हैं और किसी के भी मुंह पर मास्क नहीं है। यह इसलिए हुआ है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने 217 करोड़ डबल डोज विथ बूस्टर हमारे को सुरक्षा कवच दिया है, तो 130 करोड़ की जनता उसमें से निकल करके आई है। वैक्सीन की बात करें, मैं बार बार इस बात को बोलता हूं, इस देश में 25 साल लग गए ट्यूबरक्लोज की चीज की दवा पहुंचने में, इस देश में 28 साल लग गए स्मॉल पॉक्स की दवा को पहुंचने में, इस देश में लगभग 25 से 30 साल लग गए पोलियो की दवा को पहुंचने में, इस देश में 100 साल लग गए जापानी बुखार की दवा को पहुंचने में, लेकिन मोदी जी ने इस देश में 9 महीने के अंदर 2-2 वैक्सीन बना करके दी और आप सबको सुरक्षित करने का काम किया। मित्रों, यह सरकार प्रोएक्टिव सरकार है, प्रो रिस्पॉन्सिबल सरकार है, प्रो रिस्पॉन्सिव सरकार है, लोगों के दुख दर्द को समझने वाली सरकार है।
अभी आप देखिए यूक्रेन में युद्ध हुआ, कोई देश था जिसने इस युद्ध को रुकवा करके अपने लोगों को लाने का प्रयास किया? कोई देश था? किसी देश ने भी इसकी कोशिश की? लेकिन हां, मैं गौरव के साथ कह सकता हूं कि जब यूक्रेन में युद्ध चल रहा था तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक ही स्वर में पुतिन से बात की, दूसरे फोन से उन्होंने जेलेंस्की से बात की और युद्ध को रुकाया और 22,000 बच्चों को एक सप्ताह के अंदर वापस सुरक्षित घर पहुंचाया, जिसमें से 2,000 बच्चे गुजरात के भी थे। आज गौरव यात्रा इस बात के लिए निकलनी चाहिए कि हमारा प्रधानमंत्री ऐसा है जो देश को सुरक्षित रख